मनी लॉन्ड्रिंग किसे कहते हैं और ये कैसे की जाती है। हेलो एंड वेलकम, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल हेल्प इन हिंदी में। मनी लॉन्ड्रिंग ने इन दिनों भारत की राजनीति में कोहराम मचाया हुआ है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग को हवाला लेन देन के रूप में जाना जाता है। भारत में ये सबसे ज़्यादा लोकप्रिय 1990 के दशक के दौरान हुआ था, जब इसमें कई नेताओं के नाम उजागर हुए थे। मनी लॉन्ड्रिंग से मतलब किसी अवैध तरीके से कमाए गए काले धन को वैध तरीके से कमाए गए धन के रूप में दिखाने से होता है। मनी लॉन्ड्रिंग अवैध रूप से प्राप्त धन राशि को छुपाने का एक तरीका होता है। मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए से पैसा ऐसे कामों पर निवेश में लाया जाता है कि जांच करने वाली एजेंसियां भी पैसे के मुख्य सोर्स का पता नहीं लगा पाती। इसमें जो व्यक्ति पैसे का हेर फेर करता है उसको लॉन्डरर कहा जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग में अवैध रूप से कमाया गया काला धन सफ़ेद होकर अपने असली मालिक के पास लीगली रूप से लौटा दिया जाता है। मनी लॉन्ड्रिंग पैसे की प्रक्रिया के 3 चरण होते हैं। पहला तो प्लेसमेंट, दूसरा लेयरिंग और तीसरा इंटीग्रेशन। प्लेसमेंट इसका पहला चरण होता है, जिसके अंतर्गत नकदी के बाजार में आने से होता है। इसमें लॉन्डरर अवैध तरीके से कमाए गए धन को वित्तीय संस्थानों जैसे कि बैंकों या फिर दूसरी तरह के औपचारिक या फिर अनौपचारिक वित्तीय संस्थानों में नकद जमा करता है। फिर बारी आती है लेयरिंग की। मनी लॉन्ड्रिंग का दूसरा चरण लेयरिंग होता है, यानी कि धन छुपाने से रिलेटेड। इसमें लॉन्डरर अकाउंट बुक में गड़बड़ी करके दूसरे संदिग्ध लेन देन करके अपनी असली इनकम को छुपा लेता है। लॉन्डरर धन राशि को निवेश के साधनों जैसे कि बॉन्ड, स्टॉक और ट्रैवलर चेक या फिर विदेश में अपने बैंक खातों में जमा करा देता है। ये खाता अक्सर ऐसे देशों की बैंकों में खोला जाता है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी अभियानों में सहयोग नहीं करती हैं। फिर इसका तीसरा चरण आता है इंटीग्रेशन, यानी कि एकीकरण। ये मनी लॉन्ड्रिंग का अंतिम चरण होता है। इस प्रोसेस के जरिए से बाहर भेजा पैसा या देश में खपाया गया पैसा वापस लॉन्डर के पास लीगल रूप से आ जाता है। ऐसा धन अक्सर किसी कंपनी में निवेश करके अचल संपत्ति खरीदने, लग्जरी सामान खरीदने आदि के जरिए से आता है। चलिए जानते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग में कौन कौन सी गतिविधियाँ शामिल होती हैं। मनी लॉन्ड्रिंग करने के कई तरीके हो सकते हैं। इसमें एक सबसे अहम होता है फर्जी कंपनी बनाना, जिन्हें शैल कंपनियां भी कहा जाता है। शैल कंपनियां एक वास्तविक कंपनी की तरह एक कंपनी होती है, लेकिन वास्तव में इसमें कोई प्रॉपर्टी नहीं लगी होती और ना ही इसमें वास्तविक रूप से कोई उत्पादन का काम होता है। दरअसल ये शैल कंपनियां केवल कागजों पर ही अस्तित्व में होती हैं, वास्तविक दुनिया में ये कोई कंपनी नहीं होती। लेकिन लॉन्डरर इन कंपनियों की बैलेंस शीट में बड़े बड़े लेन देन को दिखाते हैं। कंपनी के नाम पर लोन लेते हैं, सरकार से टैक्स में छूट लेते हैं, आयकर रिटर्न नहीं भरते हैं और इन सब फर्जी कामों के जरिए से वो बहुत सा काला धन जमा कर लेता है। अगर कोई थर्ड पार्टी वित्तीय अभिलेखों की जांच करना चाहता है तो तीसरे पक्ष को धन के सोर्स और स्थान के रूप में जांच को भ्रमित करने के लिए झूठे डॉक्यूमेंट दिखाए जाते हैं। इसके अलावा मनी लॉन्ड्रिंग के दूसरे तरीके भी शामिल हैं, जैसे कि किसी बड़े मकान, दुकान या मॉल को खरीदना, लेकिन कागजों पर उनकी कीमत कम दिखाना, लेकिन उस खरीदी गई प्रॉपर्टी की वास्तविक कीमत बाजार में कहीं ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि टैक्स कम देना पड़े। इस तरह से टैक्स चोरी के जरिए से भी काला धन जुटाया जाता है। एक और तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग तब होती है जब लॉन्डरर कई जरियों से अपना धन ऐसे देशों के बैंकों में जमा करा देता है जहां उनके खाते की जांच का अधिकार किसी दूसरे देश की सरकार को नहीं होता। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्विट्जरलैंड है, जहां पर बड़ी संख्या में भारतीयों का काला धन जमा है जो कि मनी लॉन्ड्रिंग करके कमाया गया है। चलिए अब जानते हैं भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्या कानून है। भारत में मनी लॉन्ड्रिंग कानून 2002 में अधिनियमित किया गया था, लेकिन इसमें 3 बार संशोधन हुए, 2005 में, 2009 में और 2012 में। 2012 के आखिरी संशोधन को जनवरी 3, 2013 को राष्ट्रपति की अनुमति से मिल गई थी और ये कानून 15 फरवरी से लागू हो गया है। PMLA संशोधन अधिनियम 2012 ने अपराधों की सूची में धन को छुपाना,
अधिग्रहण, कब्जा और धन का क्रिमिनल कामों में उपयोग इत्यादि को शामिल किया है। पीएमएलए 2002 में आरबीआई, सेबी और विनियामक और विकास प्राधिकरण को पीएमएलए के तहत लाया गया है और इसलिए इस अधिनियम के प्रावधान सभी वित्तीय संस्थानों, बैंकों, म्यूचुअल फंडों, बीमा कंपनियों और उनके वित्तीय मध्यस्थों पर लागू होते हैं। तो आखिर में हम कह सकते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग का प्रोसेस काफ़ी जटिल होता है, चालाकी भरा होता है, जिसको रोकने के लिए सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉनिक जरियों से भुगतान के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना होगा। तो फ्रेंड्स, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, जानकारी आपको अच्छी लगी है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में ऑल नोटिफिकेशन बटन को ऑन कर दीजिए ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में ऐसी ही नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।